नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम निशा है। नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद से ही लगातार उनके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां बिहार सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात करती है, तो वहीं लगातार महागठबंधन सरकार के मंत्रियों के ऊपर एक के बाद एक सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले बिहार सरकार के कानून मंत्री पर सवाल उठाए गए और अब नए कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह पर भी चावल गबन करने का आरोप लगा है। बता दें कि सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। उनके ऊपर करोड़ों रुपए के चावल गबन करने का आरोप लगा है। इसको लेकर के 2013 में रामगढ़ थाने में गबन को लेकर के प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। हालांकि सुधाकर सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी है और कहा है कि ये आरोप झूठा है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सुधाकर सिंह आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। वो बिहार के बक्सर के रामगढ़ सीट से विधायक रहे हैं। 2013 में नीतीश कुमार के ही सरकार में उन पर चावल का गबन करने का आरोप लगाया गया था। उनके खिलाफ रामगढ़ थाने में केस भी दर्ज कराया गया था। लग रहे आरोपों के मुताबिक सुधाकर सिंह की राइस मिल ने सरकार के चावल प्रोसेसिंग का अग्रीमेंट किया था। सरकार की ओर से जो चावल आया था उसका उन्होंने गबन कर लिया। इस घोटाले में 80 से ज्यादा लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुई, जिसमें कई आरोपी भी बनाए गए थे। इन सब आरोपों पर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने गुरुवार को कहा कि ये आरोप गलत है और अगर ये सच है तो इस पर कोर्ट फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि अब तक सुनवाई हमारे पक्ष में है। हाईकोर्ट ने अब तक इस मामले में सरकार को ही फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि राइस मिलों में जो चावल प्रोसेस करने को मिला गया था उसे वापस लेना सरकार की ड्यूटी थी, ये सरकार की ही लापरवाही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि नीतीश कैबिनेट में कानून मंत्री कार्तिक कुमार पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। वो भी तमाम विवादों से इस वक्त घिरे हुए हैं। आरोप है कि उनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज हुआ था। वहीं 16 अगस्त को उन्हें कोर्ट में सरेंडर भी करना था, लेकिन वो अदालत नहीं गए बल्कि मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उनके खिलाफ वारंट भी जारी की गई, लेकिन इसके खिलाफ अभी भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब बिहार सरकार में मंत्रियों की लिस्ट में शामिल लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि ये दोनों ही मंत्रियों को कब और कैसे क्लीन चिट मिलती है। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।